समराइज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में मास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो मासेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपस में एक दूसरे को खींचने के या इलेक्ट्रिक फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के, इसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक किसी भी पार्टिकल की, कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, मैटर ले लीजिए, उसके अंदर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो फोर्स काम कर रहा है इन दोनों, दो लाइक चार्जेस के बीच में, यानी प्लस और माइनस माइनस के बीच में, वो रिपल्सिव होता है, और प्लस माइनस के बीच में काम करेगा तो ये आपको ये अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ऐसा यूनिट जो चार्ज की है वो कूलम है। क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है, जितने भी चार्जेस हैं जो आपको मिल रहे हैं नेचर में, वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं फंडामेंटल चार्ज के। जैसे क्यू इक्वल टू एन ई, ई इसमें फंडामेंटल यूनिट है चार्ज की। जो कंजर्वेशन है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का, कोई भी प्रोसेस हो, जो एल्जेब्रिक सम होगा, जोड़ अगर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ले लेंगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से कूलम लॉ की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके रेडियस के स्क्वायर से। यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, और एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो के बनेगा, के आपका है 1/4πε, इसमें क्यू वन क्यू टू जो है आपका ग्रेटर देन जीरो है। तो रिपल्शन होगा दो चार्जेस के बीच में। अगर इसको एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि रिपल्शन होगा दो चार्जेस के बीच में, यदि क्यू वन इंटू क्यू टू ग्रेटर देन जीरो है, अगर क्यू वन इंटू क्यू टू आपके लेस देन जीरो है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है चार्जेस के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो फोर्स काम कर रहा है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई सिस्टम है जहां पर चार्जेस बहुत सारे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या इंटेंसिटी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E होता है F by Q, E इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। तो ऐसा यूनिट है E की, वो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अगर R1, R2, Rn ये पोजिशन वेक्टर है अलग अलग चार्जेस के Q1 से लेकर Qn तक, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पोजिशन वेक्टर के R, जिसका R है, वो क्या होगी, E इक्वल टू के सिग्मा जे वन टू एन, अलग अलग चार्जेस और अलग अलग R की बात हो रही है, क्यू जे अलग अलग चार्ज वन से लेकर एन तक, R माइनस आर जे इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब है, और ये R माइनस आर जे। इलेक्ट्रिक डायपोल ये सिस्टम है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, जो सेपरेट है फाइनाइट डिस्टेंस से, इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी कि एक प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज किसी सेपरेट डिस्टेंस पे है, इसको हम डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से दिया जाता है, वो 2 इंटू ए जो इसके बीच में दूरी है, इंटू क्यूब। P इसमें जो डायरेक्शन है P का, वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की हो रही है एक्सिस पे, डायपोल के एक्सिस पे, वो होगी 2kp/z³, और ये P इसका यूनिट वेक्टर है जब z बहुत बड़ा हो A से। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन पे या इक्वेटर पे डायपोल के, वो होगा ey, अगर कहें तो kp/y³, पी कैप, इसमें y जो होगा वो A से बहुत बड़ा होगा, तभी अब ये y³ आएगा, नहीं तो y प्लस A आता है, यहाँ z प्लस A आता है ना। जो टॉर्क काम कर रहा है डायपोल अगर आपने रखा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किसी थीटा पे, तो टॉर्क बनेगा आपका P इंटू ई, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो PE साइन थीटा बनेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस एरिया या सरफेस ऑफ एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले उसका सरफेस एरिया के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या बनेगा, अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फाई बनेगा आपका E डॉट A, तो E एक cos थीटा होता है, थीटा एंगल है E और A के बीच में, E और A वेक्टर के बीच में, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम होती है वोल्ट मीटर। इसी तरीके से गॉस लॉ अगर देखें तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होता है क्लोज सरफेस के हिसाब से, तो फाई होगा इंटीग्रेशन, ये S है इस क्लोज सरफेस का के लिए पूरा लेंगे, E डॉट DA, ये सिग्मा Q जो चार्जेस है उसका एडिशन बाय एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा Q ये नेट चार्ज है जो सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अगर बहुत लंबा सा इस तरीके से चार्ज वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होगी लैम्डा बाय 2π/ε 1/r, आर कैप, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस किसी भी पॉइंट पे जो निकाल रहे हैं उससे, आर ये डिस्टेंस है इस पॉइंट पे
आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ये दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कोई एक इनफाइनाइट प्लेन है, कोई एक ऐसा प्लेन है ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो वो ई हो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए, शेल है मतलब अंदर से खोखला है, अंदर तो जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे बाहर की तरफ ले तो ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें आप और भी वेरिएशन कर सकते हैं क्योंकि क्यू को आप जो वैल्यू है हमने इसको थ्योरी में देखा है, इसको आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, आर इसमें रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो दूरी है, किस दूरी पे आप ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अगर आप लें आर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ये पूरा भरा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आती है। ये एक संख्या है, मतलब एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, दोनों ही एक है। और अगर बाहर की तरफ जाएं तो ये एक्सप्रेशन बनता है, इसमें ये दो एक्सप्रेशन है अलग अलग। क्यू इसमें जो है वो टोटल चार्ज है जो स्फीयर पे है।